सर, इंडिया अलायंस का ये नारा था, वोट फॉर इंडी, सेव इंडिया और सेव भारत और समथिंग लाइक दैट। सर, ऐसा लग रहा है कि पूरा पूरी तरीके से वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है, उनका जो अलायंस था वो। यहाँ पर भी, महाराष्ट्र में भी, ऑपोजिशन की कोई खास अच्छी स्थिति है नहीं। लोगों को ऐसा लगता है कि अंडर प्राइम मिनिस्टर सर, बीजेपी ने ऑपोजिशन को खत्म कर दिया और फिर लोग उसे कनेक्ट करते हैं कि बीजेपी इज नॉट अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी। अब ये बीजेपी का रोल है क्या ऑपोजिशन को जिंदा रखना? एंड सेकेंड, इज इट ट्रू इफ यू किल ऑपोजिशन, इज देयर नो ऑपोजिशन? वन, एंड सेकेंड, इज दिस अ ब्लॉट ऑन आर डेमोक्रेसी? पहली बात तो जो इंडिया अलायंस की बात आपने कही, तो हमारे एक बहुत अच्छे राजनीतिक विशेषज्ञ है, विश्लेषण जो करते राजनीति का, भाऊ तोरसेकर जी। तो भाऊ तोरसेकर जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया अलायंस है इसलिए नहीं चलने वाला कि यहाँ सारे इंजिन है, कोई बोगी है ही नहीं, तो लोग बैठेंगे कहाँ। और मोदी जी मजबूत इंजन लेकर इतनी बड़ी ट्रेन लेकर निकले हैं कि जिसको जिसको बैठना है उसके लिए बैठने की जगह है। तो इसलिए ये इंडिया अलायंस चलेगा नहीं, ऐसा जो भाऊ तोरसेकर जी ने कहा था, मुझे लगता है वो आज हमको यथार्थ में देखने को मिलता है। सारे इंजन अपने अपनी दिशा में जा रहे हैं, कोई कोहेरेंट इस प्रकार की ट्रेन हमको दिखाई नहीं पड़ती है। और देखिए, मैं ऐसा मानता हूं और हम सभी मानते हैं, क्योंकि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने अपोजिशन में काम किया है, तो डेमोक्रेसी में अपोजिशन का होना ये जरूरी भी है, और उसके अपोजिशन की जो आवश्यकता है, उसका जो महत्व है, इसको हम एक्नॉलेज भी करते हैं। लेकिन आज के अपोजिशन में और जिस समय हम अपोजिशन में थे, इसमें अंतर क्या है? अंतर यह है कि हम भले ही अपोजिशन में बैठे, लेकिन हमने इंडिया फर्स्ट की नीति को कभी छोड़ा नहीं। हमने चुनकर आने के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे इस प्रकार की परिस्थिति को कभी स्वीकारा नहीं। हमने एक प्रकार से जिसको अराजकता कहते हैं, ऐसे अराजकता का माहौल तैयार करके हम सरकार को नीचे लाए, इस प्रकार की व्यवस्था हमने कभी कायम नहीं की। आज मुझे तो इस बात का दुख है कि कांग्रेस जैसी पार्टी ये अपोजिशन में जाने के बाद जिस प्रकार से डिसइंटीग्रेट हो रही है, उसके कारण जो वैक्यूम तैयार हो रहा है, उस वैक्यूम को ऐसे लोग भर रहे हैं कि जिनके लिए देश कोई मायने नहीं रखता है। ये ऐसे लोग हैं कि जो हमारी सारी ऑर्डर को बिगाड़ना चाहते हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस को डिसमेंटल करना चाहते हैं। आप देखिए, ये कैसी व्यवस्था है कि जिस व्यवस्था में अगर सुप्रीम कोर्ट उनके साइड से निर्णय दे तो अच्छा है, और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई न्यायपूर्ण उनके खिलाफ निर्णय दे तो सुप्रीम कोर्ट को गाली देते, इलेक्शन कमीशन को गाली देते, इलेक्शन प्रोसेस को गाली देते, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को गाली देते, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अलग अलग व्यवस्थाएं खड़ी की है उन व्यवस्थाओं को गाली देते। तो ये तो हमारे लिए एक चिंता की, मैं ऐसा कहता हूं, कि जगह है कि जहां पर अपोजिशन के वीक होने से जो स्पेस निर्माण हुई है, उस स्पेस में इस प्रकार के लोग आए हैं। और उससे भी ज्यादा चिंता इस बात की है कि कांग्रेस को जब ये लगता है कि मोदी जी को हम चैलेंज नहीं कर सकते, तो ये जो ताकतें हैं, समाज विरोधी, संविधान विरोधी, इंस्टीट्यूशन विरोधी, इन ताकतों की मदद कांग्रेस जैसी पार्टी ले रही है, और फिर ये कहते हैं कि संविधान खतरे में। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भाई संविधान हमारे कारण खतरे में नहीं है, आप खतरे में डाल रहे हो देश का संविधान। इस प्रकार की ताकतों को दम देते हुए, बल देते हुए, उनको एक प्रकार से सेंटर स्टेज पर लाते हुए, और मैं ऐसा मानता हूं और हमारी पार्टी भी ऐसा मानती है कि अपोजिशन कभी समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त करने का कोई विचार भी नहीं है, विचार करना भी नहीं चाहिए। हम अपनी लाइन को बड़ी करते जाते, धीरे धीरे अपोजिशन की लाइन छोटी होती है, हम उनकी लाइन काटते कभी नहीं है और काटना भी नहीं चाहते।